ऐश्वर्या राय बच्चन को लास्ट टाइम सिल्वर स्क्रीन पर करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में देखा गया था। उसके बाद ऐश्वर्या अपनी फिल्म फन्ने खान की शूटिंग में बिजी हो गयी। अब बात करते हैं फिल्म फन्ने खान की। जी हाँ, फन्ने खान की शूटिंग तकरीबन पूरी ही हो चुकी है। बस फिल्म के गाने की शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान में 2 दिनों से शुरू है। अब खबर है कि ऐश्वर्या मैडम को नहीं पसंद आ रहा है गाने के लिरिक्स, जिसको लेकर ऐश ने कर दी है डायरेक्टर अतुल मांजरेकर से ये डिमांड। फिल्म के इस गाने में ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कोरियोग्राफ किया गया है। माना जा रहा है कि गाने में ऐश्वर्या राय एक ग्लैमरस आइटम नंबर कर रही हैं और ये वही गाना था। गाना सुनने के बाद ऐश्वर्या का मूड ऑफ हो गया। उन्होंने गाने पर परफॉर्म करने से कर दिया साफ इनकार, जिसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हो गए परेशान और तुरंत गाने में चेंजेस करने के लिए पहुँच गए गीतकार के पास। अभी ये तो साफ नहीं हुआ कि ऐश्वर्या को चेंज वर्जन पसंद आया है या नहीं। फिल्म फन्ने खान में अनिल कपूर लीड रोल में है, जो खुद फन्ने खान का किरदार निभा रहे हैं। साथ ही फिल्म में राजकुमार राव को भी देखने का मौका मिलेगा। रिसेंटली ऐश्वर्या और अभिषेक को अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाब जामुन ऑफर हुई थी, जिसकी स्टोरी पसंद न आने पर दोनों ने फिल्म को कर दिया इनकार। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। ऐश्वर्या राय बच्चन को लास्ट टाइम सिल्वर स्क्रीन पर करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में देखा गया था। उसके बाद ऐश्वर्या अपनी फिल्म फन्ने खान की शूटिंग में बिजी हो गयी। अब बात करते हैं फिल्म फन्ने खान की। जी हाँ, फन्ने खान की शूटिंग तकरीबन पूरी ही हो चुकी है। बस फिल्म के गाने की शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान में 2 दिनों से शुरू है। अब खबर है कि ऐश्वर्या मैडम को नहीं पसंद आ रहा है गाने के लिरिक्स, जिसको लेकर ऐश ने कर दी है डायरेक्टर अतुल मांजरेकर से ये डिमांड। फिल्म के इस गाने में ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कोरियोग्राफ किया गया है। माना जा रहा है कि गाने में ऐश्वर्या राय एक ग्लैमरस आइटम नंबर कर रही हैं और ये वही गाना था। गाना सुनने के बाद ऐश्वर्या का मूड ऑफ हो गया। उन्होंने गाने पर परफॉर्म करने से कर दिया साफ इनकार, जिसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हो गए परेशान और तुरंत गाने में चेंजेस करने के लिए पहुंच गए गीतकार के पास। अभी ये तो साफ नहीं हुआ कि ऐश्वर्या को चेंज वर्जन पसंद आया है या नहीं। फिल्म फन्ने खान में अनिल कपूर लीड रोल में है, जो खुद फन्ने खान का किरदार निभा रहे हैं। साथ ही फिल्म में राजकुमार राव को भी देखने का मौका मिलेगा। रिसेंटली ऐश्वर्या और अभिषेक को अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाब जामुन ऑफर हुई थी, जिसकी स्टोरी पसंद न आने पर दोनों ने फिल्म को कर दिया इनकार। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, साथ ही सब्सक्राइब भी करें।